एनएस की तैयारी शुरू करने के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए? यह सवाल सिविल सेवा अधिकारी बनने की चाह रखने वाले हर एस्पिरेंट के मन में जरूर आता है। यूपीएससी की जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एस्पिरेंट की न्यूनतम आयु को 21 साल के रूप में निर्धारित किया गया है। आज के समय में आईएएस बनने का सपना बच्चे छोटी सी उम्र से ही देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर अपनी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत किस उम्र से करें, जिससे वे अपने पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा में सफल हो जाएं और उनका स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी परेशानी में हैं कि आखिर तैयारी शुरू किस उम्र में करें, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी परेशानी का हल लेकर आए हैं। 16 साल की उम्र, कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें पहले से ही कई लोग सिविल सेवा अधिकारी होते हैं। अक्सर ऐसे परिवार के बच्चे परिवार के बड़े सदस्यों की तरह सिविल सेवक बनने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे परिवार में बच्चे 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने तक ज्यादातर छात्रों की उम्र 16 साल होती है। ऐसे छात्रों के लिए यूपीएससी के चयन प्रक्रिया को समझने के लिए कई समय मिलता है और उनके पास आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं के साथ साथ अनुकूल परिस्थितियां भी मौजूद रहती हैं। लेकिन यह भी सच है कि एक छात्र जिन्हें स्कूली शिक्षा के दौरान विभिन्न गतिविधियों में भी शामिल होना चाहिए, जो कि उनके दिमागी विकास के लिए जरूरी माना जाता है, वे इन सब से दूर हो जाते हैं। कम उम्र से ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने से एक छात्र के लिए किसी अन्य गतिविधि में शामिल हो पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो कि उसके मानसिक विकास के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा यह भी संभावनाएं बनी रहती हैं कि छात्र यूपीएससी परीक्षा के लिए जिस पैटर्न को कम उम्र से ही समझते आए हैं, आगे जब उन्हें परीक्षा में शामिल होने का समय आए तो कहीं उनका पैटर्न बदल ना जाए। ऐसे किसी बदलाव से छात्रों को यूपीएससी परीक्षा के शुरुआती प्रयासों में असफलता मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं, जो कि उन्हें डिमोटिवेट कर सकती हैं। दूसरी उम्र है 18 साल की उम्र। कुछ छात्र 18 साल की उम्र से ही सिविल सेवा यानी आईएएस परीक्षा की तैयारी करने का फैसला करते हैं। उच्चतम माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 18 साल की उम्र आदर्श मानी जाती है। उच्चतम माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एक सुनहरा अवसर मिलता है कि वह यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखकर अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सके और इसका लाभ उन्हें यूपीएससी मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के चयन करते समय भी मिलेगा। यूपीएससी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का एक भारी जमता परीक्षा की तैयारी 18 साल की उम्र से ही शुरू कर चुके थे। एक बड़ी संभावना यह भी है कि एक आईएएस उम्मीदवार 21 या 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आईएएस परीक्षा में अपने पहले प्रयास में सफलता पा सकते हैं, पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान यूपीएससी परीक्षा की पाठ्यक्रम को कितनी गंभीर तरीके से कवर करने की कोशिश करता है। अगली उम्र है 21 वर्ष की उम्र। कई छात्र 21 या 22 साल की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने का फैसला लेते हैं। यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए एक छात्र के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों के पास काफी समय होता है, जो कि वह अपना पूरा समय यूपीएससी की तैयारी के लिए समर्पित कर सकते हैं। आईएएस टॉपर्स में कई ऐसे टॉपर्स मिल जाएंगे जो कि 21 या 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू करने का फैसला करते हैं। कई छात्र ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के साथ साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सही उम्र क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।